दोस्तों बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि सर सिविल स्कोर के प्रॉफिट और नुकसान बता दीजिएगा। बहुत सिंपल भाषा में आपको बता दूं कि सिविल स्कोर आखिर क्या चीज होती है। आपको जो बैंक है वो आपको बैंक लोन क्यों नहीं देती है, सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग जमा करते हैं, इसके उपरांत भी आपको बैंक लोन नहीं देना चाहती है। आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़े ध्यान से देखिएगा। आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। दोस्तों एक जो हमारा सिविल स्कोर होता है, सिविल स्कोर में हमारी चार स्टेज होती हैं, जिसको नंबर वन आता है हमारा पुअर, और नंबर दो आता है हमारा एवरेज, नंबर तीसरे पे आता है हमारा गुड, और नंबर चौथे पे आता है हमारा एक्सीलेंट। यानी कहने का मतलब हमारे इसमें चार रैंक आसानी से बनाई गई हैं, और जो पहले रैंक के अंतर्गत आता है जिसको बोलते हैं 300 से लेकर 550 के बीच में जो रैंक होती है वो हमारी पुअर होती है। अगर हमारी ये वाली रैंक रहती है तो हमको बैंक कभी लोन नहीं दे सकती है, यानी उनके पास हमारा एक बहुत ही गंदा रिकॉर्ड है यानी बैंक के साथ, कि हमने बैंक के साथ कुछ ऐसा उधारी किया है कि हमको यहाँ पर बिल्कुल भी लोन देने का नाम भी नहीं ले रही है। नंबर दूसरी बात, एवरेज जिसकी रैंक होती है हमेशा 550 से लेकर 650 रैंक, इसमें अगर आपकी लोन में अगर ये वाली रैंक है तो आपको लोन तो मिल जाएगी, लेकिन आपको थोड़ा 12% तक का वन ईयर का आपको चार्ज देना पड़ सकता है, यानी जो ब्याज होता है। अगर आपकी रैंक इन चार में से जो तीसरी रैंक है, अब आपकी आती है कौन सी, एक आती है गुड। अगर आपकी गुड रैंक है तो आपसे बैंक कुछ भी नहीं इतना ज्यादा पूछेगी और पूछताछ नहीं करेगी, आपको आसानी से लोन मिल जाएगी। और जो चौथे नंबर पर जो आती है इसको बोलते हैं हम लोग एक्सीलेंट। एक्सीलेंट में होता है हमारी जो रैंक रहती है इसमें रहती है 750 से लेकर 900 तक, और इस रैंक के अंतर्गत अगर आप लोग आते हैं तो आप लोगों को बिना कुछ भी पूछे और एकदम ट्रस्ट होकर के बैंक आपको क्या दे देगी, लोन दे देगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपका सिविल स्कोर डाउन क्यों होता है, और कई लोगों ने तो कभी लोन लिया भी नहीं है, उनको भी लोन मिलता है, आखिर इसकी वजह क्या है, मैं आपको वो भी विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों होता क्या है, जब भी आपको लोन लेना हो तो कम से कम 6 महीने पहले एक ऐसा फाइनेंस करा लेना लोन यानी किस्तों वाला, और उसको आसानी से आप चुकाते रहना, यानी समय टू समय आप चुकाते रहना, बिल्कुल भी इसमें गैप मत करना। अगर आप लोग 5-10 दिन का गैप चल जाता है, लेकिन आपने एक हफ्ता का कर दिया, फिर आपने दूसरी जो आपको किस्त देनी थी वो भी बाउंस कर दी, तीसरी थी वो भी बाउंस कर दी, भाई साहब इससे आपका जो सिविल स्कोर होता है वो क्या होता है, डाउन हो जाता है। और जब आपका सिविल स्कोर डाउन हुआ तो ये समझिए कि आपको बहुत बड़े नुकसान भी होता है, और जब आपको इस तरीके से नुकसान होगा तो क्या होगा कि आपको कभी भी लाइफ में लोन नहीं मिल सकता है, ये सबसे बड़ा एक इशू होता है। तो आप लोगों को यही समझना है कि आखिर अगर अपने लोन को बचा के चल रहा है कि हमको इन फ्यूचर में भी अगर सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी आती है, कोई अच्छा नियम आता है जिसका हम लोग फायदा ले सकें, तो आपको अपना सिविल स्कोर बहुत अच्छे से बनाकर ही चलना पड़ेगा। यानी जब भी आपको सिविल स्कोर आपको अच्छा करना है तो फाइनेंस से कोई भी मोबाइल ले लीजिए या कोई ऐसी चीज ले लीजिए और आप लोग उसको किस्तों से चुकाते रहिए, तो एक आपके एक रिकॉर्ड बन जाता है बैंक के अंदर कि इस बंदे ने ये वाला सामान परचेस किया था और समय टू समय इन्होंने किस्त भरी थी, जिस वजह से हम लोग आपको ट्रस्ट कर सकते हैं। नंबर एक बात, नंबर दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि यहां पर जब आप लोग लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके सिविल स्कोर चेक होता है। जब आपने लोन लिया ही नहीं है कभी तो फिर आपका कैसे सिविल स्कोर चेक होगा, समझने बात को। यानी सिविल स्कोर बहुत चीज होती है, जैसे सपोज दैट आपने कोई गाड़ी ली है और गाड़ी की आप लोग किस्त यहाँ पर आप बराबर जमा कर रहे हैं, तो जो कंपनी होती है फाइनेंस कंपनी से, जिस कंपनी से आपने क्या गाड़ी किस्तों पर ली है, वो कंपनी एक रिपोर्ट लगाती है, वो जाती है सिविल स्कोर यानी बनता है वो आपका बैंक के लिए, और वो सारा अटैचमेंट रहता है, आपको पता है कि पैन कार्ड से सब कुछ लिंक रहता ही रहता है, और जिस वजह से सभी को पता चल जाता है कि आपका सिविल स्कोर क्या है। आप चाहे छोटी सी चीज ले लें, चाहे बड़ी सी चीज ले लें, कुछ भी ले लें, बड़ी बड़ी सामान ले लें, कुछ भी ले लें, आपका सिविल स्कोर उसी दिन से बनना शुरू हो जाता है। यानी अगर आपने फाइनेंस कराया तो फाइनेंस कंपनी आपका पूरा डेटा बैंक के पास भेजती रहती है, और जिस वजह से पता चल जाता है कि हाँ आपका कितना अच्छा काम है और आप किस तरीके से लोगों की किस्तें चुका रहे हैं, सब कुछ उन बैंक के पास डिटेल पहुंच जाता है, जिस वजह से आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा लोन मिलने के चांस भी बढ़ जाते हैं। अगर सपोज दैट अगर आपने कभी भी कोई भी किस्त को अगर बाउंस कर दिया या फिर कुछ ऐसा कर दिया तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी आपको लोन मिलने के चांस नहीं मिल सकते हैं, एक चीज़ ये भी याद रखना। तो आपको यही चीज करना है कि आपको जब भी अपना लोन लेना है या फिर लोन लेना या फिर आप लोग फिर कभी लोन ले चुके हैं तो भी आपको यहाँ पर जो समय पर रुपये है उसको चुका देना है, और दोस्तों जब आप इस तरीके से जब आप लोन चुका देंगे तो आपके ऊपर बैंक भी और कंपनी भी आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगती है, और जो आपकी एक रिपोर्ट होती है बहुत अच्छे से बैंक में लग जाती है, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा लोन मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि आपका सिविल स्कोर कभी पुअर नहीं होना चाहिए, और बेनिफिट यही है कि आपको बहुत कम ब्याज लगेगा अगर आपका बहुत अच्छा गुड यानी 650 से लेकर 700 अगर आपकी रैंक है तो आपको बहुत कम यानी
6-7% का ईयरली ब्याज लगेगा और आपको आसानी से लोन मिल जाएगी। और नुकसान यही है कि आपको कभी लोन नहीं मिलेगी, यानी कभी भी लोन लेना तो आपको टाइम टू टाइम किस्त जरूर चुकाना है। अगर आप लोग टाइम टू टाइम किस्त को नहीं चुका पाते तो आपको लोन तो नहीं मिलने वाली है, मेन चीज ये है, और आपका सिविल स्कोर भी डाउन हो जाएगा, यानी आपका जो क्रेडिट है बैंक की नजर में आपका क्रेडिट गिर जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखें कि कभी भी आप लोग लोन लें तो उस लोन को चुकाने की जरूर कोशिश करें। दोस्तों जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मन में और कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछ लें, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।